Hey everyone, आज मैं अपने चैनल पर शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही पॉपुलर कॉम्बिनेशन की रेसिपी जो है पालक पनीर। पालक की सब्जी वैसे तो अकेली बहुत टेस्टी नहीं लगती, पर जब ये पनीर के साथ मिलाकर बनाई जाती है तो ये अलग ही अपना कमाल दिखाती है। तो चलिए बिना देरी के बनाते हैं पालक पनीर की रेसिपी। तो सबसे पहले पालक की प्यूरी रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए कढ़ाई ले और उसमें डालें आधे से एक लीटर के करीब पानी। जब पानी में एक बॉईल आ जाए तो इसमें डालें पालक के पत्ते जो मैंने लिए हैं 250 ग्राम के करीब। इस प्रोसेस को कहते हैं ब्लांचिंग। पालक की प्यूरी बनाने के लिए इसे ब्लांच करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ब्लांच करने से क्या होता है, पालक को पीसना आसान हो जाता है और इसका टेक्सचर भी स्मूथ सा हो जाता है। पालक को 1 से 2 मिनट के लिए ही बॉईल करना है। 2 मिनट हो गया है तो चलिए इसे निकाल लेते हैं। पालक का हरा रंग बना रहे इसलिए मैं इसे बर्फ वाले ठंडे पानी में निकाल रही हूँ। इसे कुछ सेकंड्स के लिए इसमें रहने दें। अब एक ब्लेंडिंग जार ले और उसमें पालक को निकाल ले। अब चलिए इसे पीस कर इसकी स्मूथ प्यूरी बना लेते हैं। आप देख सकते हैं पालक की प्यूरी का टेक्सचर कितना स्मूथ है और इसका रंग भी काफी अच्छा हरा आया है। अब एक कढ़ाई गर्म कर ले और उसमें डाले 2 से 3 टेबलस्पून रिफाइंड तेल। तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो फ्लेम को लो मीडियम पे रखें और डाले खड़े गर्म मसाले, जिसमें मैंने लिए हैं 1 तेज पत्ता, 2 से 3 लौंग, 5 से 6 काली मिर्च और 1/2 टीस्पून जीरा। इसे थोड़ा चला ले और डाले 6 से 7 चॉप्ड लहसुन, 1 इंच चॉप्ड अदरक, 2 चॉप्ड हरी मिर्च और 1/4 टीस्पून हींग। इन्हें कुछ सेकंड्स के लिए भून ले। अब इसमें डाले 2 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए प्याज। प्याज को हमें लो फ्लेम पर आधे से 1 मिनट के लिए भुनना है। जब इसका कलर थोड़ा गोल्डन ब्राउन सा हो जाए तो इसमें डाले स्वाद के अनुसार नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। इसे मिक्स कर ले। कुछ सेकेंड्स मसाले को भुनने के बाद इसमें डालें 1 मीडियम साइज की चॉप्ड टमाटर। टमाटर जब पूरी तरह से सॉफ्ट सी हो जाए तो डालें 1 टीस्पून कस्तूरी मेथी और इसे भी मसाले के साथ भुन ले। 1 मिनट भुनने के बाद डालें पालक की प्यूरी और इसे भी अच्छे से मिक्स कर ले। पालक को हमें ज्यादा नहीं पकाना क्योंकि हमने इसे पहले ही ब्लांच किया था। अब इसमें डालेंगे 1/2 कप पानी और इसे चला लेंगे। फिर डालें 200 ग्राम क्यूब्स में कटे हुए पनीर के टुकड़े और इसे पालक के साथ अच्छे से मिला लें। फिर डालें 2 टेबलस्पून क्रीम। मैंने अमूल क्रीम लिया है, आप चाहो तो मलाई का भी यूज कर सकते हैं। साथ में डालें 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और इन सब को अच्छे से मिक्स कर ले। ढक्कन लगाकर इसे 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक कर ले। 4 से 5 मिनट हो गए हैं तो ढक्कन हटाएं और इसे चला ले। अगर आपको ग्रेवी थोड़ी पतली चाहिए तो थोड़ा पानी इसमें ऐड कर ले। अब इसे एक सर्विंग प्लेट पे निकाल लेते हैं। अब चलते हैं इसकी लास्ट प्रोसेस की तरफ। तो लास्ट में हमें इसमें तड़का लगाना है, तो इसके लिए एक तड़का पैन ले और फ्लेम को लो पर रखें और डालें 1 टेबलस्पून तेल या आप घी भी यूज कर सकते हैं और इसमें डालें 1/4 टीस्पून जीरा, 1 खड़ी लाल मिर्च और फ्लेम बंद कर डालें 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और इन्हें अच्छे से मिक्स कर तुरंत पालक पनीर की सब्जी के ऊपर डालें और लास्ट में डालें 1 टेबलस्पून क्रीम या मलाई। और ये लीजिए, बन गई टेस्टी पालक पनीर की सब्जी। पालक पनीर पुलाव, नान या रोटी के साथ खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। अगर आपको मेरी ये पालक पनीर की रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट कर जरूर बताएं। पनीर की दूसरी रेसिपीज भी मैंने अपने चैनल पर शेयर करी है, तो वो भी आप देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, टेक केयर।